सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सौदान सिंह है। कहाँ से हो? मैं लोनी सिटी ब्लॉक से हूँ, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं 12th हूँ जी। सर इतना कुछ जो मीडिया ने दिखाया बाबा राम रीम जी के लिए, डेरा सच्चा सौदा के लिए, क्या कहोगे? देखिए मीडिया कुछ भी दिखाती रहे जी, अगर मीडिया को प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए तो वो आकर के डेरों में मिले। खाली बारबली कहने से कोई फायदा नहीं है कुछ भी, या मीडिया उसका प्रूफ दिखाए कि हाँ जी हमने ये देखा है और ये हमारे पास प्रूफ है, सबूत है। खाली 7 करोड़ के बेस पर या 7 करोड़ में से किसी एक व्यक्ति को खरीद लेना और उसके बारे में सारा कुछ बता देना, ये कोई मायने नहीं रखता। इनका कहना है कि 7 करोड़ लोगों का बयान दिखाए मीडिया, सच्चाई जाननी है तो डेरा सच्चा सौदा में आए। देखिए जी मीडिया ने जो भी दिखाया है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, या जो भी उनको मिला है तथ्य यहाँ पे देखने के लिए या बताने के लिए, अगर वो उस पर प्रूफ करती है तो आज समाज में, आज की सरकार में या पहली सरकारों में इतना बुरा बुरा कर्म हो रहा है, अभी हो रहा है, चल रहा है, देख रहे हैं, मीडिया उसको तो इतना हाईलाइट नहीं करती है, इसका क्या कारण है? या मीडिया ने इतना बड़ा प्रूफ बना करके और संत राम रहीम सिंह जी को अंदर डाल दिया, तो क्या आलोक वर्मा जी के लिए कोई कदम उठाएंगे वो? सर और आप क्या कहना चाहोगे, समाज में अब गुरु जी नहीं है, सत्संग नहीं हो रहे, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज? देखिए जी समाज में अगर गुरु जी नहीं है, सत्संग नहीं हो रहे हैं, कहीं भी सरकार या कोई भी आम जन ये बताए कि उस सत्संगी ने ऐसा किया या इतना गलत किया, इतना बुरा किया। 133 मानवता भलाई के कार्य साध संगत करती थी 7 करोड़, और वो आज भी करती है। सरकार कोई अपना ब्यौरा बताए कि 133 या 110 या 100 या 50 कार्य सरकार ने अच्छे किए। हम भी बहुत जगह देखते हैं ब्लड कैंप लगते हैं, वहाँ पूरे पूरे दिन डॉक्टर बिल्कुल हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई आदमी ब्लड डोनेशन के लिए नहीं जाता, आंखें दान करने के लिए नहीं जाता, शरीर दान करने के लिए नहीं जाता, यहाँ तक कि भूखों के लिए भी कैंप लगता है तो वहाँ कोटे का चावल दिया जाता है, जो कोटे पर 2 रुपए किलो का चावल है। सर और क्या कहना चाहोगे, लोग जो आज आपको अंधभक्त कह रहे हैं, जो बाबा राम रीम जी को मानते हैं, कोई कहते हैं इनका ब्रेन वॉश कर दिया, उनको कह दो? देखिए अगर लोगों का ऐसा कुछ लगता है तो वो अपनी जगह स्थिर रहे, लेकिन उनकी तुलना उनसे करें जो डेरे से जुड़े हुए हैं। डेरे के जितने भी प्रेमी हैं कम कमाते हैं, मिल बांट के परिवार में खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अगर सुबह शाम वो हाथ फैलाते हैं तो केवल अपने सतगुरु के सामने हाथ फैलाते हैं। आज तक किसी भी डेरा प्रेमी को कहीं भी भीख मांगते नहीं देखा गया होगा पूरी दुनिया में, ये हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं। और जो लोग डेरा सच्चा सौदा की इतने अवहेलना करते हैं, वो कभी 133 मानवता भलाई के कार्य बैनर के नीचे आकर पढ़े, डेरा सच्चा के बैनर के तले आकर पढ़े, तो उनको पता चल जाएगा कि डेरा सच्चा सौदा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।